नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटी एसटी बाय टुडे सेल टुमारो, इस स्ट्रेटेजी के द्वारा कैसे आप डेली का 2000-1000 कम से कम बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी काफी हेल्पफुल होता है जब मार्केट जो है अब बार मोमेंटम हो, मतलब मार्केट में जब तेजी बनी हो, तो ये स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा काम करती है। आप आज बाय कर लिए स्टॉक्स और कल अगले दिन, मतलब अगले दिन जो कल हो जाए, मतलब कल मार्केट ओपन हो जाए या किसी दिन अगला जो ट्रेडिंग डे होगा उस दिन आप उस स्टॉक को सेल कर देंगे और वो स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में भी नहीं आएगा, सेल हो जाएगा पहले, क्योंकि T+2 डे में आपके डीमैट अकाउंट में आता है। तो वैसे मैं आज स्टॉक बाय किया, अगले ट्रेडिंग डे आपने सेल कर दिया, मतलब कल आपने उसे सेल कर दिया। तो इस स्ट्रेटेजी के द्वारा आप कैसे डेली का 1000-2000 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं, तो आपको हम लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ आ चुके हम जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। अगर अभी तक आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जीरोधा में अकाउंट ओपन कर लीजिए। दोस्तों, ये सबसे बेहतरीन डिस्काउंट ब्रोकर है जहाँ आपको इंट्राडे में 20 रुपया मैक्सिमम चार्ज लगता है और पोजिशनल ट्रेडिंग जो करते हैं उसमें जो डिलीवरी लेते हैं उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। साथ साथ बेटी एसटी जो आप करेंगे उसमें कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा, मतलब कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा, तो सिर्फ सिक्योरिटी चार्ज और ट्रांजेक्शन चार्ज आपको लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, हमने TV18 ब्रॉडकास्ट इसमें कम से कम 2000 रुपया अर्न किया है, कम से कम 2000 रुपया। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं। ये पोजीशन में आपने देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सेल किया है कितना पे, 38 रुपया 30 पैसा पर, और इसे हम बाय किए थे 36 रुपया कुछ पैसा पर, और कुल हमारा जो क्वांटिटी था वो 988 था। 112 क्वांटिटी थोड़ा हमने एक दो दिन पहले बाय किया था, तो आज ने हमने उसे भी सेल कर दिया साथ में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1100 क्वांटिटी हमने सेल किया है, 988 क्वांटिटी पिछले दिन बाय किया था। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने होल्डिंग्स में। तो यहाँ होल्डिंग्स में आप देख सकते हैं, ये है TV18 ब्रॉडकास्ट, यहाँ पर देखिए 36 रुपया 40 पैसा। अब यहाँ लाइव प्रूफ देख लीजिए, 36 रुपया 40 पैसा पर हमने बाय किया था, 36 रुपया 46 पैसा पर। अभी ये है 35 रुपया 60 पैसा, लेकिन हमने इसे बेच दिया 38 रुपया पर, जो आपको हमने वहाँ पोजीशन पे दिखाया था, फिर से दिखा देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मात्र हमारा -2% दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, -2% हमारा ये दिखा रहा है, -2%। लेकिन ये आज माइनस हुआ है कितना, 8% का फॉल इसमें आया है हमारा, -2%, क्यों, 36 रुपया 40 पैसा पर हमने इसे बाय किया था। तो इसका जो यहाँ पर हमारा प्राइस है 36 रुपया 40 पैसा, इस पे बाय किया और सेल किया कितना पे आज, ये लेकिन हाई गया था कितना, 41 रुपया 70 पैसा तक। अगर हम वहाँ पर सेल किए रहते तो आप सोच लीजिए कितना होता, 5000 से भी अधिक का, मतलब 1100 था, तो अगर 5 रुपीज़ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना होगा, 5500। तो एक दिन में आप इतना अर्न कर सकते हैं। तो 36 रुपया 40 पैसा पर बाय किए और यहाँ पर देखिए सेल किए कितना पर, यहाँ पर देखते हैं एवरेज प्राइस 38 रुपया 30 पैसा पर हमने सेल किया, यहाँ पर भी देखते हैं 38 रुपया 30 पैसा पर। आप देख सकते हैं कितना, 1100 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 रुपया में थोड़ा सा कम है, तो 2 रुपया में 30 पैसा, 1 रुपीज़ 70 पैसा से लगभग 2000, मतलब आप हर डे अर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्टॉक चुनना पड़ेगा जो अच्छे स्टॉक से, जिसमें आगे तेजी, आज इसमें तेजी काफ़ी थी, 41 रुपया 70 पैसा तक ये गया था, लेकिन रिजल्ट जो है, मतलब रिजल्ट से पहले काफ़ी तेजी थी, हर किसी को आशा था कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने आएगा। तो बेटी एसटी कब करना है, जब उसका रिजल्ट आ गया हो, उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने वाला हो, तो आप बाय कर सकते हैं। अगले दिन रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट से अगर आपको लगता है रिजल्ट अच्छा आएगा तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं, अगर रिजल्ट लगता है ख़राब तो आप तेज़ी, रिजल्ट से पहले जो तेज़ी होगा बेच करके निकल सकते हैं। अगर मार्केट को पता है कि रिजल्ट ख़राब आएगा तब आप बेटी एसटी नहीं कर सकते, क्योंकि उस स्टॉक में करेक्शन आएगा, तब BTST आप फ्यूचर में कर सकते हैं, पहले सेल कर देंगे अगले दिन बाय कर लेंगे, तो फ्यूचर में होता है, फ्यूचर में आप कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर बहुत रिस्की है, इसलिए हम आपको फ्यूचर अभी नए लोगों को नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते, अगर हम 41 रुपया पर बेच रहते तो एक दिन में 5000, तो यह तब होगा जब पहले आप, हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए ये कहते हैं कि आप धीरे धीरे उसको सीखेंगे, फिर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए, आप बाय किए और स्टॉक जब उसमें काफ़ी मोमेंटम आएगा तो आप सेल कर देंगे, कुछ दिन बाद 10-15 दिन बाद होल्ड किए, काफ़ी तेज़ी आया उसको सेल कर देंगे, उसको पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। ये है BTST, ये आप तब कर पाएंगे जब थोड़ी थोड़ी मार्केट को आप अच्छे से समझने लगेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।